नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से। सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप, प्रदेश सरकार उठा सकती है ये कदम। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पंचायतों में विवाद सामने आने लगे। ऐसा ही एक विवाद इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित बाग पंचायत से सामने आया। इस मामले में क्षेत्र के जाकिर खान नामक व्यक्ति द्वारा सरपंच और सचिव पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पंचायत के सचिव प्रहलाद द्वारा भी जाकिर खान के खिलाफ धमकाने की शिकायत थाने में की गई है। जाकिर खान नामक व्यक्ति ने बाग पंचायत में सरपंच और सचिव द्वारा निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार करने की शिकायत की है। शिकायतकर्ता जाकिर खान का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से निर्माण कार्यों के ठेके ऐसी फर्म को दिए जा रहे हैं जो इन कार्यों के लिए किसी भी नजरिए से वैध नहीं है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। इनका प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। जिलाधीश महोदय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को की है। बाग पंचायत की सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई पति राधेश्याम व सचिव की आपसी मिली भगत होते हैं, जिस फर्म के पास समय मुझे ग्रीन पार्क निवासी जाकिर भाई ने नीचे मिले और मुझे बोलने लगे कि तुम ग्राम पंचायत बाग में सचिव हो, लाखों करोड़ों के काम कर रहे हो, सरपंच सचिव दोनों तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो और दोनों अगर मैं हमारी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी बाला बच्चन नेताजी से बोल के मंत्री जी से बोल के वो ट्रांसफर करवा दूंगा और तुम पे भ्रष्टाचार का ये केस लगाऊंगा और तुम पे कार्रवाई करूंगा। सर, एक सचिव और एक व्यक्ति द्वारा जो है कि आपस में विवाद का एक मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि वहाँ पे जो सरपंच है, सॉरी वो जो जाकिर नाम का व्यक्ति है, वो भी कांग्रेस से संबंधित कोई है और ये भी पक्ष है, वो भी कांग्रेस है।